अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल? यस, यू आर लुकिंग परफेक्टली फाइन. यस, आई एम आल्सो गुड. चले जी बच्चों, अब ये बताइए कि कल हम लोगों ने क्या किया था. यस, कल हम लोगों ने रीडिंग की थी, चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, रीडिंग कर ली थी. अब हमने क्या करना है जी? अब हमने अंडरस्टैंड यानी कि हमने एक्सरसाइजेस करनी है. एक्सरसाइजेस के लिए हम क्या करेंगे? यस, उसके लिए हम अपनी बुक ओपन करेंगे. यस, लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 33. यस, ये है हमारे पास पेज नंबर 33, और 33 पे हमारे पास है अंडरस्टैंड की एक्टिविटी. अंडरस्टैंड की एक्टिविटी में मौजूद है सॉर्ट एंड लिस्ट, और एक्सरसाइज के अंदर हमें नज़र आ रही हैं कोई मज़े की चीज़ें. जी, एनिमल्स नज़र आ रहे हैं. वो एनिमल कौन सा है भैया? कौन सा एनिमल है? यस, ये काउ मौजूद है यहाँ पे, और कुछ एक्सरसाइज है. क्या बता रहे हैं, पढ़ते हैं जी. फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स. फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें उन फूड्स के बारे में बात करनी है जो कि हम एनिमल्स से हासिल करते हैं, और वो फूड जो कि हम प्लांट से जो है हमें मिलता है. यस, ये क्या चीज़ है भाई? क्या है ये? यानी कि हम जो चीज़ डेली लाइफ में अपने मुख्तलिफ खाने खा रहे होते हैं, हमारे जो ग़िज़ा है, जो हमारी जो हम फूड बना रहे हैं, जो हमारे पास मौजूद है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें एनिमल से मिलती हैं, वो रिसाइकल होती है, हमें एनिमल से प्रोवाइड की जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि प्लांट्स के ज़रिए हमारे पास पहुँचती हैं. वो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा सोचें. आपके पास क्या आता है सुबह सुबह? क्या पीते हैं आप लोग? दूध पीते हैं जी. तो ये मिल्क जो है, ये दूध जो है, वो हमें कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से हमारे पास आता है जी? ये मिल्क जो है हमें काउ के ज़रिए मिलता है जी, एनिमल्स के ज़रिए. वेरी गुड. अच्छा, इसके अलावा हम दही खाते हैं, है ना? और इसके अलावा हमारे पास बेकरी का आइटम्स होते हैं, जैसे बिस्किट्स होते हैं, हमारे पास ब्रेड होती है, हमारे पास एग्स होते हैं जी, अंडे खाते हैं आप लोग. तो ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ से आती हैं? क्या हम ये दरख्तों से तोड़ के लाते हैं, या हमें प्लांट्स के ज़रिए मिल रही होती हैं? नहीं ना जी, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें एनिमल्स के ज़रिए जी, जो उनके एनिमल्स के ज़रिए हमें मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, हमारे पास मिल्क आता है, उसके ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं. हम बटर बना रहे होते हैं, हम जो है दही बना रहे होते हैं, हम ब्रेड बना रहे होते हैं. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से बन रही होती हैं, यानी कि ये सब फूड जो है हमें एनिमल्स से मिलता है. इसके अलावा अब हम क्या खाते हैं? हम खाना बना रहे होते हैं, ठीक है ना? खाना बनाते हैं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे होते हैं? हम उसमें अनियंस डाल रहे होते हैं, पोटैटो डाल रहे होते हैं, टोमेटोज डाल रहे होते हैं. ये सब डिफरेंट चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही होती हैं? ये हमें प्लांट से मिल रही होती हैं. यस, अब हम फ्रूट्स खाते हैं, हम एप्पल्स खाते हैं, हम मैंगो खाते हैं, हम जी हमारे पास बहुत मज़े के जो है फ्रूट्स मौजूद होते हैं, हम सैलड्स खा रहे होते हैं. ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? यस, ये हमें प्लांट्स के ज़रिए, ट्रीज़ के ज़रिए मिल रही होती हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट फूड्स और वैराइटीज़ हैं, है ना? वैराइटीज़ है, हमारे पास फूड की वैराइटीज़ मौजूद हैं. कुछ फूड जो हैं हमें वो एनिमल्स के ज़रिए मिलते हैं, और कुछ फूड जो हैं हमें वो प्लांट्स के ज़रिए मिलते हैं. यानी कि हम अपने फूड्स को, अपने खानों को दो लिस्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक लिस्ट जो है वो एनिमल्स के ज़रिए, और एक लिस्ट जो है वो प्लांट्स के ज़रिए. अब आप जो हैं खुद अपनी डेली लाइफ में, जब आपको खाना मिले ना, मम्मा आपको खाना दे, आपको नाश्ता दें, आपको शाम के चाय में स्नैक्स दें, तो ये सोचिएगा जो मैं ये फूड खा रहा हूँ, जो स्नैक्स मुझे मिल रहे हैं, जो ब्रेकफास्ट में कर रहा हूँ, उसमें जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, जो फूड्स मेरे पास मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं? क्या वो प्लांट्स के ज़रिए मुझे मिले, या फिर एनिमल्स के ज़रिए मिले? ठीक है ना? तो इसके लिए अब क्या करते हैं, हमारे पास ये लिस्ट मौजूद है, और इस लिस्ट में क्या है, हमारे पास नीचे कुछ फूड आइटम दिए हुए नज़र आ रहे हैं आपको. फूड आइटम्स दिए हुए, क्या क्या फूड आइटम है पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है? स्पिनिश दिया हुआ है यहाँ पे, स्पिनिश मौजूद है. इसके अलावा एग्स हैं, टोमेटोज, और बटर, मिल्क, पोटैटोज, मीट, एप्पल्स. यस,
हमारे पास ये सारी के सारे जो आइटम्स मौजूद है, आप हमें बताना है कि ये आइटम्स जो हैं वो उनमें जैसे कौन से फूड आइटम जो हैं वो एनिमल्स के जरिए में मिलते हैं और कुछ जो हैं वो कौन से प्लांट्स के जरिए। चले जी बताइए, ये लिस्ट यहाँ लिखी हुई और लिस्ट में हम यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे। स्पिनच, ये फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम इसको प्लांट्स में लिखेंगे। एग्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, वेरी गुड। अच्छा जी, टोमेटोज, यस, फूड फ्रॉम प्लांट्स। इसके अलावा यहाँ पर है बटर, बटर कैसे आता है जी, ये दूध के जरिए बनता है, मिल्क, तो फिर ये फूड फ्रॉम एनिमल्स, वेरी गुड। एप्पल्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स। मीट, वेरी नाइस, फूड फ्रॉम एनिमल्स। पोटैटोज, फूड फ्रॉम प्लांट्स। मिल्क, यस, फूड फ्रॉम एनिमल। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इसको लिस्ट डाउन करना है और यहाँ पे इनके नाम लिखने। चलिए जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे अपनी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मेकिंग क्वेश्चंस, यानी कि हमारे पास आंसर्स मौजूद है और हमें उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए जी, हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मेक क्वेश्चंस फॉर दीज आंसर्स, स्टार्ट विद गिवन वर्ड्स इन द ब्रैकेट। यस, हमारे पास आंसर्स मौजूद हैं, लास्ट में उसके वर्ड मौजूद है, उसको यूज करके हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है वो पहला आंसर पढ़ते हैं हमारा, कि पहला आंसर हमारा क्या है। यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर स्किन, यस। तो इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे और इसमें ब्रैकेट में मौजूद है हमारे पास आर, आर को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा, आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गुड फॉर आवर स्किन, और आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। जी, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो आगे उसके क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। चले जी, अब हमारे पास है सेकेंड आंसर, मीट इज गुड फॉर आवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मीट इज गुड फॉर आवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। इसके लिए हमें वर्ड दिया हुआ है आगे, वॉट, वॉट हमारा क्वेश्चन बनेगा, वॉट इज गुड फॉर आवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, क्वेश्चन मार्क। यस, वॉट इज गुड फॉर आवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। थर्ड हमारे पास आंसर मौजूद है, यस, ब्रेड गिव अस एनर्जी, यस, ब्रेड गिव अस एनर्जी। इसमें क्वेश्चन बनाना है हमें, डज यूज करना है और हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, डज ब्रेड गिव अस एनर्जी, डज ब्रेड गिव अस एनर्जी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, और अब हमारे पास आ गया लास्ट आंसर, के लास्ट आंसर हमारे पास क्या मौजूद है, मिल्क इज गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ, मिल्क इज गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। और इसमें हमें क्वेश्चन बनाना है, हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है व्हाट, और व्हाट के जरिए हम क्या वर्ड को यूज करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे, और क्वेश्चन हमारा बनेगा, व्हाट इज गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ, यस, व्हाट इज गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। तो यानी कि अब हमारे पास से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, हमने जो है क्वेश्चंस बना लिए हैं। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखना है, ताकि आपको पता चले, रिपीटेडली जब आप इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने एक्सरसाइज की है उसमें हमने क्या नॉलेज गेन की, हमें किस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है। फिर आपने अपनी कॉपी पे, अपने बुक पे ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है। जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप उनको बताएंगे कि आज हमने एक्सरसाइजेस में कैसे काम किया है, और अपने काम के पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर देनी है। ठीक है जी, कल मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।